So, दोस्तों अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आप मिस कर ही नहीं सकते, बिकॉज इस वीडियो के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलने वाला है जो आपके डेली बहुत काम आएगा। आप बेसिकली ऑर्डर बुक को देखकर आप समझने वाले हैं कि सेलर्स इनिशिएटेड क्वांटिटी ज्यादा है या बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी ज्यादा है। और ऐसे होगा क्या, आप एक एनालिसिस पर आ सकते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है प्राइस की। सो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड शुभम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सो यू ऑलरेडी नो अबाउट हिम। इससे पहले हमने कंप्लीटली सर का प्रोफाइल, सर ने कैसे कैसे काम किया, बहुत सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में जो है कवर करी हुई है। इनफैक्ट इस जो कंसेप्ट को हम सीखने वाले हैं अभी लाइव मार्केट में हम देखेंगे, इसका एक बेसिक जो है वो पूरा का पूरा सर ने समझाया था इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। सो सर हम शुरू करते हैं प्लीज। बिल्कुल। सो पुष्कर जी मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ एक मिनट का, ताकि लोग कनेक्ट कर पाए इस चीज से। सो हमने थोड़ी देर पहले बात की पिछले वीडियो में, जिसमें हमने बात की कि जो मार्केट वॉच में हम F6 दबा के जो स्क्रीन देखते हैं जहाँ पे बेस्ट 5 बायर बेस्ट 5 सेलर दिखता है, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा ऑर्डर बुक देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है, और उसके ऊपर हम जा करके अलग अलग वॉल्यूम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो वॉल्यूम दो भाग में बांट देते हैं कि बायर ने कितना वॉल्यूम किया, सेलर ने कितना वॉल्यूम किया। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि अगर एक ट्रेड हुआ तो बायर सेलर दोनों ने किया, तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करेंगे किसने इनिशिएट किया। अगर बायर ने भाव बढ़ा के लिया तो बायर इनिशिएटेड, सेलर ने भाव कम करके बेचा तो सेलर इनिशिएटेड, राइट। ये हमारा बेसिक प्रेमाइस है ये पूरा थ्योरी के लिए। तो मैं डायरेक्टली अब जाता हूँ और मैं समझाता हूँ कि इस चीज को हम लोग कैसे चार्ट पे जाकर के प्लॉट, चार्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्निकल एनालिस्ट इंडिया में है। अच्छा जी, अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाओगे और आप जाकर के वहां पे डालो टेक्निकल एनालिसिस के टॉप सिटीज, टॉप 10 सिटीज में से 9 इंडिया है। तो मुझे लगता है इससे अच्छा इजी तरीका नहीं हो सकता एक्सप्लेन करने का, तो चार्ट पे ही प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस चीज को। एब्सोल्युटली सर। तो जैसा मैंने बोला हम आज का ही डेटा यूज करेंगे, अभी आई थिंक जो बाजार है वो ऑलरेडी चालू है। सो मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली चार्ट पे क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट जो है वो रोलिंग फ्यूचर नहीं है, मैंने 23 फरवरी बाय डिफॉल्ट ओपन हो रहा है, मैं इसको रोलिंग निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करता हूँ, राइट। तो आप सभी ने देखा होगा चार्ट कुछ इस तरह का दिखता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे और इसको 1 मिनट कैंडल सेलेक्ट करेंगे, जो ट्रेडिंग व्यू का ही ये फंक्शनैलिटी है, मतलब हमारे ऐप में भी ट्रेडिंग व्यू का कंपोनेंट इंटीग्रेटेड है, सब लोग फैमिलियर है। और ये हम ट्रेडिंग व्यू पे नहीं है, कॉन्सेप्ट पर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट पे अभी जो इंडिकेटर आप यूज करने वाले हैं वो सिर्फ कॉन्टैप पे यूज होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट के अंदर है और कहीं नहीं। अच्छा, पूरे इंडिया में कहीं नहीं है अभी तो फिलहाल, नहीं। क्या बात है। सो जो अगर आपको इस इंडिकेटर को यूज करना है तो कॉन्सेप्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके साइन अप कर सकते हैं, प्लीज कंटिन्यू। राइट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं जो लास्ट कैंडल है, इवन तो हम मिनट कैंडल की बात कर रहे हैं लेकिन जो लास्ट कैंडल है वो रियल टाइम है जहां पे प्राइसेस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, राइट। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं तो ये जो लास्ट वाला जो आप देखेंगे जो एंट्री है यहां पे वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो हम 1 मिनट पे ट्रैक करेंगे कैंडल को लेकिन देखेंगे रियल टाइम, राइट। अब मैं जाता हूं यहां पे चार्ट पे, आप देखेंगे क्यू इंडिकेटर्स करके एक आपको यहां पे टैब दिखेगा, राइट। यहां पे जितने भी ये फीड्स है, स्ट्रीम्स है बेसिकली, वो सारा हमारा जो यूनिक जो डेटा सेट है जो ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलता है आपको, बट हमारे प्लेटफॉर्म में मिलता है, वो सारे स्ट्रीम्स है इंडिया। आप एनएससी से लेते हो? सो सारा रॉ डेटा तो एनएससी देगा, बट हम ये सारा पेड डेटा होता है, राइट। हाँ, बट हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। सो पेड तो एनएससी से जब डेटा लेते हो हर कुछ पेड एज अ वेंडर, और फिर उसके बाद हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर, सब तो मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दो मेरा फेवरेट जो है बायर इनिशिएटेड सेलर इनिशिएटेड वो कवर कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च में जाकर के लिखूंगा बायर, और बायर लिखने के बाद मुझे कुछ 5 चीजें यहाँ पे दिख रही है, राइट। लेकिन जो मुझे सिलेक्ट करना है वो है ये दूसरा वाला जो कि ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, नॉट द काउंट। सो हम काउंट, वीवैप, सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं लेकिन हम देखेंगे तो सबसे सिंपल है क्वांटिटी की, बायर ने भाव बढ़ा के कितना क्वांटिटी खरीदा, राइट। ये हम ट्रैक कर रहे हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी भी प्लॉट करेंगे। तो हम इसी सर्च बॉक्स में जाकर के लिखेंगे सेलर, और यहां पे सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी को हम सिलेक्ट करेंगे, right। दोनों हमारा राइट साइड पे आ गया। अब हम कर रहे हैं अप्लाई चेंजेस, राइट सर। ये करने के बाद आपको दो प्लॉट यहां पे दिखेंगे, दो इंडिकेटर्स ऐड हो गए, और ये भी जो इंडिकेटर है वो रियल टाइम है, एब्सोल्यूट रियल टाइम है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक स्टेप दिखा देता हूं, बिकॉज ये जनरली जिस तरह, मतलब
चार्ट देखने का अलग अलग तरह का तरीका है, किसी लोग को ऐसे पसंद है, बट मुझे एक अलग तरीके से पसंद है। इन दोनों को मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके लाइन बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा सेटिंग के अंदर, और सेटिंग में जाकर के बायर को मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर देता हूँ और इसको लाइन चार्ट बनाता हूँ। राइट, इसकी थिकनेस भी बढ़ा दीजिए सर। ओके, सो हम लोग थिकनेस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं। राइट, ओके ठीक है। तो ये हमारा बायर इनिशिएटेड हो गया। सिमिलरली हम लोग अब सेलर के अंदर भी जाके सेटिंग में इसको रेड कलर दे देते हैं। राइट, ताकि समझ में आएगा कि रेड मतलब सेल और ग्रीन मतलब बाय। इसकी भी हम वो बढ़ा, इसका भी थिकनेस हम इम्प्रूव कर देते हैं। ओके ठीक है, अब ये दोनों हमारा लाइन चार्ट में प्लॉट हो चुका है। राइट, अब हमको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है दोनों को, इसलिए मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोर में जाकर के मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबव। तो अब ये दोनों चार्ट मर्ज हो गए। right. लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, राइट साइड में अगर हम देखें दो अलग अलग स्केल्स हैं। तो अब हमने स्केल को दोनों को मर्ज कर दिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो अब हमको जाकर के ये बेसिकली जो रेड लाइन हमको दिख रहा है वो सेलर इनिशिएटेड है, और जो ग्रीन लाइन हमको दिख रहा है वो बायर इनिशिएटेड। राइट, तो अब हम कल का जो बाजार था उसका एक्टिविटी को देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमको रियल ट्रेड जो लेना है वो हम किस तरह से जाकर के ट्रेड ले सकते हैं। राइट, तो अब यहाँ पे बाजार, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे गैप डाउन के साथ बाजार ओपन हुआ। राइट राइट, ये जो पहला टिक यहाँ पे बन रहा है वो हमको इग्नोर करना है, बिकॉज जब पहले बाजार खुलेगा तो बहुत सारे सौदे आएंगे जो होंगे, वो तो होगा ही, वो हाईएस्ट टिक होगा, तो हमको वो इग्नोर करना है। अब जो मेरा कंडीशन है वो क्या है, दो कंडीशन हमको लगाना है, ट्रेड लेना है ऑब्वियसली बायर इनिशिएटेड सेलर इनिशिएटेड पे, लेकिन दो कंडीशन हमको चेक करना है। एक कि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तभी वैलिड है जब कंसोलिडेशन उसके पहले हुआ है। right. अगर कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो फिर ब्रेकआउट क्यों या ब्रेकडाउन क्यों, तो कंसोलिडेशन होना चाहिए पहली बात। दूसरा चीज कि जो एवरेज जो क्वांटिटीज ट्रेड हो रही है उसमें जंप आना चाहिए। तो जैसे हम वॉल्यूम बढ़ गया का बात करते हैं, तो जो एवरेज बायर इनिशिएटेड सेलर इनिशिएटेड जो ट्रेड हो रहा है उसमें कोई जंप आया क्या, और वो जंप का डेफिनेशन क्या है, 3-4 गुना वॉल्यूम बढ़ गया क्या बायर इनिशिएटेड और सेलर इनिशिएटेड का। ये दो कंडीशन है, एकदम सिंपल है, जहां पे हमें दिखाना पड़ेगा लोगों को कि वो कैसे देखेगा नंबर। एक बार आप इससे दिखाइए कर्सर से, तो वहां पे नंबर आते हैं तो लोगों को दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं अभी ट्रेड बताऊंगा ही, मैं तो खाली ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वहां पे नंबर आ रहे हैं, जैसे आपको 10,000 देख रहा होगा, तो लोग अपना जैसे कॉन्सेप्ट के अंदर देखेंगे तो उन्हें दिख जाएगा। आप कंटिन्यू। बिल्कुल सर, तो जो दो चीजें हमें चाहिए वो चाहिए कि कंसोलिडेशन और जंप, तो मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे जो बाजार खुला, ये जो एरिया, आई थिंक मैं ऐसा बताऊंगा तो थोड़ा इजी है, यहाँ पे बाजार खुला और बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे हुआ। राइट, फिर अगर आप देखेंगे बाजार थोड़े समय के लिए साइडवेज हो गया। राइट, ये जो पूरा जोन है ये जोन में साइडवेज हो गया। राइट, ठीक है, वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो गया, बायर इनिशिएटेड सेलर इनिशिएटेड जो बाजार खुलने के बाद जो पीक पे था वो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नॉर्मल रेंज में ट्रेड हो रहा है। अब ये नॉर्मल रेंज का एवरेज क्या है, तो अगर हम एवरेज यहाँ पे जाकर के देखें तो रफली ये मिड पॉइंट है 9,275। इतने क्वांटिटीज अप्रोक्सीमेटली बायर इनिशिएटेड सेलर इनिशिएटेड ट्रेड हो रही थी। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो फर्स्ट जो हम रेड टिक यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप राइट में देखोगे क्वांटिटी कितना हो गया, 31,500 का क्वांटिटी, मतलब अचानक से यहाँ पे ब्रेकडाउन आया और कोई मार्केट ऑर्डर या तो आईओसी ऑर्डर या तो जो जेन्युइन ऑर्डर बुक के अंदर है कोई बड़ा क्वांटिटी बेच के चला गया, जो हमको दिख रहा है ये एक्चुअल पैसा है, ये कोई फेक डेटा तो है नहीं, ये तो ट्रेड का डेटा है, मतलब किसी ने जाके बेट लिया कि अब यहाँ से बाजार गया। ठीक है, हमको क्या करना है, हम तो ट्रेंड नहीं क्रिएट कर सकते हमारे 2 लॉट 10 लॉट 20 लॉट में 100 लॉट में, तो हम तो फॉलो कर सकते हैं, हमको फॉलो करना है। तो हमको क्या करना है, जब इस तरह का हमको दिख रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हो रहा है और एवरेज क्वांटिटी का 3-4 गुना वॉल्यूम बढ़ गया, ये मेरा ट्रेड इनिशिएशन पॉइंट कवर हो गया। ठीक है, तो रफली अराउंड अगर हम देखें ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट पे आ रहा है ट्रेड, ये वाले पॉइंट पे 17,733। और ये 1 मिनट का टाइम का चार्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 मिनट पे हम देख रहे हैं, 1 मिनट पे देख रहे हैं, आएगा रियल टाइम पे, हो सकता है यहां तक नहीं आपने यही सौदा ले लिया। राइट, बट मैं बोल रहा हूं अगर आप लास्ट कंप्लीट होने के बाद भी ले रहे हो तो 17,730 के आसपास, राउंड ऑफ 17,730 के आसपास आप जाकर के सौदा ले रहे हो। ठीक है,
आपने सौदा क्या लिया पे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद, अभी खाली सिग्नल नोट डाउन करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं इसको ऑप्शन में कैसे जा करके ट्रेड करेंगे, उसका भी एक मेथोडोलॉजी है, ब्लफ तो नहीं करना है। तो ये हमारा सेल सिग्नल आया। अब बहुत सिंपल कंसेप्ट है एग्जिट का। जब ये ग्रीन एग्जिट कब करना है, कोई बेच के गया, अगर ये मेरा रीजनिंग था तो जब कोई बहुत बड़ा क्वांटिटी में खरीदने आएगा तो मैं तब एग्जिट कर दूंगा। तो उसको डिफाइन कैसे करें कि बहुत बड़ा क्वांटिटी कोई खरीदने के लिए आया है? तो जो मेरा रूल है वो बहुत सिंपल है। ये जो आपको ग्रीन स्पाइक्स दिख रही है, सौदा लेने के बाद ग्रीन स्पाइक है, फिर यहाँ पे एक और ग्रीन स्पाइक है, यहाँ ग्रीन स्पाइक है, यहाँ पे ग्रीन स्पाइक है। ये ग्रीन स्पाइक्स जब भी प्रीवियस रेड स्पाइक से बड़ा होगा, जिसमें मेरी एंट्री थी वो या प्रीवियस, जो प्रीवियस जो स्पाइक्स बन रहे, मेरा एंट्री वाला नहीं, जो मेरा एंट्री था वो तो हो गया, उसके बाद भी अगर हम देखें फिर से कोई बड़ा क्वांटिटी बेच के गया, फिर से कोई बड़ा क्वांटिटी बेच के गया, तो जब ये ग्रीन जो है मतलब बायर प्रीवियस जो भी पीक था, तो प्रीवियस पीक यहां से कौन सा है, ये वाला है, इसके लिए कौन सा है, ये वाला है, यहां पे जो पीक है वो तो ऑब्वियसली यही है क्योंकि वो कोई बड़ा बीच में पीक नहीं बना, और इसके लिए पीक कौन सा था, ये वाला, तो मेरा एग्जिट कहां हुआ, यहीं पे हो गया, तो मेरा एग्जिट यहां पे हो गया, ठीक है। तो ये वाला सौदा मैंने कहां पे जाकर के काटा, ये जो सौदा है यहां पे आपका स्क्वायर ऑफ होगा जो कि लेवल है 17,675, ओके, ठीक है, तो 60 पॉइंट वहां पे फिलहाल हम लोग को मिला। अब ये एक ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब अगर आप देखोगे फिर से कंसोलिडेशन ही है, फिर से एक ब्रेकडाउन होता है, फिर से ये वॉल्यूम शूट अप करता है, तो हम बेसिकली ये विप्सॉ बोल सकते हो या कुछ भी, बट मेरे को तो फिर भी प्रॉफिट हुआ। फिर से मैं जाकर के सौदा ले रहा हूं जब ये क्वांटिटी इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया, और फिर से ट्रेड इनिशिएट हो रहा है लगभग 17,665 के आसपास, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस वहां पे क्रिएट नहीं हुआ, सेम प्राइस पे एग्जिट भी हो गया, सेम प्राइस पे री एंट्री। तो मैं अप्रोक्सीमेटली बोलता हूँ पहला वाला ट्रेड चलता जा रहा है, बीच में आपने थोड़ा ब्रोकरेज दे दिया, राइट, बस एक एंट्री एग्जिट हो गया। अब फिर से देखते हैं कहाँ पे एग्जिट मिल रहा है हम लोग को, कोई ग्रीन स्पाइक नहीं है, ये ग्रीन स्पाइक जो है वो रेड के ऊपर नहीं है, यहाँ पर जाके शायद आपको, हाँ, सो ये फाइनली जाकर के कहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो रहा है, ये वाला जो ग्रीन स्पाइक है ये प्रीवियस रेड स्पाइक से बिगर है, ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के हमारा सौदा स्क्वायर ऑफ होता है जो कि 17,580, 85, 90 जो भी आप कह लीजिए। तो जो 17,730 से सौदा चल रहा था वो खत्म हो रहा है 17,585 पे। काफी पॉइंट्स मिल गए आपको, 140 पॉइंट, राइट, लगभग राउंड ऑफ अगर हम कर ले थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के 140 पॉइंट सिर्फ। ये सिंपल हमने क्या किया, ये स्पाइक्स आ रहे हैं, ग्रीन जब भी प्रीवियस रेट से ज्यादा तो एग्जिट, तो ये हमारा सिग्नल है, यहां तक हम लोग का सिग्नल है, राइट। तो अब यही चीज हम निफ्टी बैंक निफ्टी ये तो आप गिरने पे ले रहे थे, जब वो स्पाइक बड़ा आया ग्रीन वाला तो क्या आपने एंट्री मारी उसके नहीं, लिए? क्योंकि कंट्रोल अगर आप देखोगे, अगर आप खाली अपने आप को एक क्वेश्चन पूछिए कि हु इज इन द कंट्रोल, हु इज इन द कंट्रोल, तो बियर कंट्रोल में दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम रेड इज ऊपर, तो मैं खाली वेट करूंगा सेल ट्रेड के लिए। अगर नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि ग्रीन ऊपर तो फिर मैं जाकर के वो ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सेलर इज इन कंट्रोल, तो आई एम जस्ट टेकिंग द शॉर्ट ट्रेड्स और यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, एकदम सिंपल सा सिस्टम। अब ट्रेड क्या करें, इसे स्कैल्पिंग के लिए बोल सकते हैं कि, क्योंकि ये मुझे जो दिख रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हो, राइट, और आप बहुत प्रोएक्टिवली रह रहे हो और शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हो, ठीक है, वो लंबा चल गया, बट इज इट फॉर स्कैल्पिंग? सो जनरली जो हमने देखा है जो एवरेज ट्रेड होल्डिंग टाइम है वो 1-1.5 घंटे का है, 1-1.5 घंटे, फिर स्कैल्पिंग, फिर स्कैल्पिंग नहीं है क्योंकि स्कैल्पिंग मतलब 5-10 मिनट, हाँ, ठीक, के अंदर आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, तो मैं इसको बोलूंगा इंट्राडे ट्रेड, इंट्राडे हो सकता है एक दिन में एक सौदा, ये एक दिन में 2 सौदा, बस उससे ज्यादा नहीं है, बट जो सौदा है उसका एक्यूरेसी लेवल काफी अच्छा है, राइट, रोज पैसा बनेगा। तो इसकी इसकी एक्यूरेसी कितनी है आपने जो टेस्टिंग करी है? सो जितना भी मैंने अभी तक डेटा देखा है लगभग 70-75% का एक्यूरेसी लेवल है, क्योंकि ये जो डेटा है एक तो विजिबिलिटी बाकी लोगों को है नहीं, रिटेल में कहीं और जाकर के कोई डेटा देख रहा है, को लोकेशन के अलावा मोस्टली मुझे लगता कोई नहीं देख रहा है, राइट, कोई प्रोसेस कर रहा होगा, मैं तो आज तक किसी को मिला नहीं, को लोकेशन में लोग थोड़ा करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, बट कोई रिटेल देख रहा है क्या, द आंसर इज नो। जितने लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अभी तो फिलहाल उनको एक्सेस है रियल टाइम ये वाला डेटा का। तो ये हमारा क्वेश्चन और था कि जो आपने एंट्री ली उसमें ठीक है मुझे समझ आ गया कि मुझे निकलना कब है, बट मेरा स्टॉप लॉस क्या था? सो स्टॉप लॉस आपको एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐड नहीं करूंगा, जहां पे हमने सौदा लिया अगर प्राइस वाइज उसके प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस होता है स्टॉप लॉस, स्विंग हाई, स्विंग हाई, तो लास्ट स्विंग हाई, हाँ, तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया
मैंने अगर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था तो मेरा स्विंग हाई क्या था, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है वो मेरा स्विंग हाई था, तो लगभग 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। ओके, अगर मैंने वहां पे अगर वो स्क्वायर ऑफ हो जाता तो खत्म राइट। तो अब हम आते हैं कि सौदा क्या लेना है। ये तो हमने अंडरलाइन, यही चीज हम ऑप्शन पे भी कर सकते हैं, वो मैं आप ये कंसेप्ट अगर सीख जाओगे, अगर आप बोलोगे ये चीज 17,500 के कॉल पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या सजेस्ट करते हो कि मतलब अंडरलाइन को देखें या फिर ऑप्शन का चार्ट देख के ट्रेड करें? सो यहाँ पे मैं बाइफरकेट करूंगा दो चीजों में, आप ऑप्शन बायर हो कि आप ऑप्शन सेलर हो। ओके, तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तब तो आप एक नया ट्रेड बना रहे हो, तब आपने ये नहीं डिसाइड किया कि कौन सा ऑप्शन, तब आप देखोगे अंडरलाइन। यहाँ पे हम फ्यूचर्स देख रहे हैं क्योंकि फ्यूचर्स में ये जाकर के ट्रेड हो रहा है, अंडरलाइन स्पॉट की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर्स है। तो फ्यूचर्स का हम चार्ट देखेंगे, वहां से सिग्नल निकालेंगे और वो ट्रेड को हम जाकर के लेंगे ऑप्शन में। लेकिन अगर आप ऑप्शन राइट कर रहे हो तब मुझे बाजार में अंडरलाइन में क्या हो रहा है से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है कि अगर मैंने 17,000 लेट से 500 अभी चल रहा है बाजार में, ग्राउंड ऑफ 17,500 चल रहा है, मैंने 17,500 का एक स्ट्रैडल भेज दिया, अब बाजार गिरना चालू हो गया, तो मुझे क्या बॉदर कर रहा है 17,500 का पुट, तो मैं चार्ट लगाऊंगा 17,500 के पुट में कोई आकर के बड़ा बाई करके जा रहा है क्या, अगर करके जा रहा है तो मैं अपना सौदा काट दूंगा, मतलब जो राइटिंग का जो ट्रेड है वो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो अगर आप बायर हो तो आप अंडरलाइन देखेंगे, फ्यूचर्स देखेंगे बेसिकली, और अगर आप सेलर हो तब आप क्या देखेंगे, तब आप उसी ऑप्शन का यही डेटा देखेंगे। तो आप यही चीज अगर आप यहाँ पे जा करके अगर आप लिखते हैं, लेट्स से एक्सपायरी है 23 फरवरी 23 और मैं बोलता हूँ 17,500 का स्ट्राइक, तो वहां पे दिख रहा है मुझे कॉल पुट सब कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से बोलता हूँ पुट, तो उसका डेटा जो है वो हमको यहाँ पे, उसका ऑर्डर बुक हमको यहाँ पे दिख रहा है। जिसको आप मान लीजिए किसी ने पुट ऑप्शन देखा, तो अभी ठीक है 3.85 का चल रहा है, तो मुझे जैसे यहाँ पे स्पाइक्स दिख रहे हैं, देन व्हाट? सो सेम है, सो अगर स्पाइक, अगर मैंने राइट किया है ऑप्शन और मुझे ग्रीन स्पाइक्स दिख रहे हैं तो मैं अपना सौदा काट दूंगा। अच्छा, बायर के लिए बताइए क्योंकि ज्यादातर लोग बायर है, वो क्या करेंगे इसे देख के? सो अगर बायर है तो सिंपल है, अगर ग्रीन स्पाइक्स दिख रहे हैं जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात किया सिग्नल निकाल के, तो अगर ग्रीन स्पाइक दिख रहे हैं तो ऑप्शन हम खरीदेंगे, और अगर रेड स्पाइक दिख रहे हैं तो बेचेंगे। लेकिन बायर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑप्शन का आप ऑर्डर बुक नहीं देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे अननॉर्मलाइज्ड है, वो थोड़ा नॉर्मलाइज था, इजी टू रीड था, राइट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रीड है, बिकॉज ऑप्शन का जो ऑर्डर बुक होता है वो थिन है, बहुत ज्यादा डीप नहीं हो सकता, राइट, वो थिन है। फ्यूचर्स का ऑर्डर बुक जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, राइट, तो आपको उससे जाकर के सिग्नल निकालना आपका विप्सॉ बचाएगा अगर आप वो करते हो, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि वो जो हमने ट्रेड लिया था उसका 17,730 के आसपास का जो सौदा था और हमने 17,585 पे जो सौदा स्क्वायर ऑफ किया, मैं एक बार वापस से वो चार्ट निकालता हूँ और एक बार हम लोग उसका टाइम नोट करते हैं और उसी ट्रेड को हम बिल्ड करके देखते हैं कि वो ट्रेड जो है वो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से हमने जो हमारा सिग्नल था उसको हम लेकर के आते हैं और अब हम देखते हैं कि इसको हम ट्रेड कैसे लेंगे, इसके पीछे भी साइंटिफिकली ट्रेड लेना है हम लोग को। तो मेरा सौदा जो था वो कहाँ पर था, हमारा जो सौदा था वो था 9:43 AM, ये टाइम दिख रहा है 22 फरवरी 9:43 AM को, और उस टाइम प्राइस क्या चल रहा था, लगभग 17,730। तो मुझे क्या खरीदना है, सो जो ग्रीक्स का बिहेवियर है, तो मैं थोड़ा सा ग्रीक्स के अंदर नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा सा जो ग्रीक्स का बिहेवियर है, ये जो हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं ये किस चीज का ट्रेड है, ये जो ग्रीक में जिसको हम कहते हैं गामा ट्रेड, दिस इज अ गामा ट्रेड, मतलब अगर आप मोमेंटम से पैसा बनाना चाहते हो तो मोमेंटम का मतलब है गामा, गामा, ठीक है। अब जो गामा है वो हाईएस्ट कहां पर, कौन से ऑप्शन में हाईएस्ट, तो गामा का चार्ट ऐसा दिखता है, इसका मतलब ATM जो स्ट्राइक है दैट हैज द हाईएस्ट गामा, राइट। तो अगर मुझे सबसे ज्यादा पैसा बनाना है इस ट्रेड से, किसी भी ट्रेड से जो फास्ट मूव होगा, तो सोचने की जरूरत नहीं है, जो बेस्ट स्ट्राइक है वो है ATM ऑप्शन, सिंपल। प्लस अगर बाजार गिर रहा है तो वोलेटिलिटी बढ़ेगा, हम सब जानते हैं कि इनवर्सली कोरिलेटेड है, अगर वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो वेगा का ट्रेड हो गया, वेगा का भी चार्ट सेम है ATM पे हाईएस्ट। ओके, तो ग्रीक्स के हिसाब से सिर्फ एक सौदा है जो हमको लेना है, वो है ATM पुट ऑप्शन, क्योंकि सेल का सौदा है इसलिए हम पुट की बात कर रहे हैं, ATM ऑप्शन के अलावा कोई सौदा नहीं है, ये हमको सौदा लेना है।
तो 9:43 AM 22 फरवरी को हम ATM ऑप्शन का मतलब 17,700 राउंड ऑफ 17,700 का पुट ले लेंगे, 17,700 का हम पुट लेंगे। और हमारा ये ट्रेड कब कट रहा है जो हमने सिग्नल देखा, हम 17,750 का भी पुट ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ऑड स्ट्राइक्स थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ऑड स्ट्राइक अवॉइड करना, क्योंकि लिक्विडिटी हो सकता है बहुत ज्यादा, निफ्टी में मिल जाती है, निफ्टी में है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अगर आप स्टॉक्स में जाके ट्रेड करोगे या कहीं पे, या निफ्टी में भी जब हम स्क्यू की बात करेंगे आगे जाके तब देखेंगे, थोड़ा सा अनइवन है। ओके, तो अगर राउंड ऑफ लेंगे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप 750 भी लेते हैं तो, लेकिन 700 लेंगे तो वहां पे ओआई ज्यादा होगा, तो आपको सौदा बहुत इजीली मिल जाएगा, इम्पैक्ट कॉस्ट कम आएगा, राइट। तो ये जो सौदा है वो स्क्वायर ऑफ कहाँ पे जाकर के हो रहा है, स्क्वायर ऑफ हो रहा है 15 इंडियन, सो हमारा जो नॉर्मल, हाँ मतलब अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो तो आप 15:06 देखोगे, वैसा ये टाइम रीडिंग है। सो 3:06 राइट पे दोपहर को आपका ये सौदा स्क्वायर ऑफ हो रहा है 22 तारीख को, राइट। ये हम बात कर रहे हैं, ये मैं दूसरे चार्ट पे जाऊँ या डेटा पे जाऊँ उसके पहले, अगर ये बाजार बंद होने वाला होता तो मैं सौदा काट देता, पहले ही काट देते। ये पूरा का पूरा इंट्राडे सौदा है, हमको कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है, बिकॉज कंसेप्चुअली मतलब आप 3:10 तक तो वैसे भी निकाल ही दोगे, नहीं 3:25 काट दूंगा, 25 काट, अगर जो अगर ये ट्रेड है कंटिन्यू हो रहा है तो 3:25 को काट दूंगा। ओके, क्योंकि कंसेप्चुअली अगर हम समझें, आज का जो ऑर्डर बुक है को हम कल के ऑर्डर बुक से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हो सकता है कि आज ज्यादा ऑर्डर पेंडिंग रह गए, लोगों ने कैंसिल नहीं किया, नेक्स्ट डे हम जब आए तब फिर नए ऑर्डर्स आए और वहां पे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है, तो कंपेरेबल नहीं है, तो कंपेरेबल सेम डे का डेटा, इसलिए हम एक ही दिन का डेटा यहाँ पे देखेंगे, राइट। अब हम आकर के ट्रेड लेते हैं, तो मैं एक जो हम लोग ट्रेड रिकैप आई थिंक सबसे इजी है, जहाँ पे हम देख सकते हैं इस ट्रेड को पीछे रन थ्रू करके, तो मैं इस ट्रेड को रिकैप करके देखता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे ये ट्रेड बिल्ड करता हूँ। ओके, सो ट्रेड रिकैप में हम जाते हैं और हम बोलते हैं हमको एक नया स्ट्रैटेजी करना है और करना निफ्टी पे ही है, राइट। हमको कब करना था, 22 तारीख को, राइट, 9:43 AM राइट पे हमको ये जाकर के ट्रेड लेना था, राइट। तो 9:43 पे मैं जाकर के इसको सेट कर देता हूँ, उस टाइम पे हमको ये दिख जाएगा कि ये पूरा का पूरा उस टाइम का डेटा लोड कर रहा है, तो इनिशियली एक बार थोड़ा सा इसमें समय 2-3 सेकंड लगेगा, और अगर आप देखेंगे तो 17,720 तो लगभग उसी के आसपास जो हमारा सिग्नल आया था वहां पे ये ऑप्शन चेंज था, राइट, ठीक है। मुझे क्या करना था, 17,700 का पुट मुझे खरीदना था, तो मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करूंगा और मैं बोलता हूँ कि लेट्स से 10 लॉट हम लोग, थोड़ा सा फील आएगा ना, 1800 ही ले लो जो नॉर्मल है, ठीक है, तो वो कर लेते, तो 1800 का 36 हम लोग क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। उस टाइम ये ऑप्शन का प्राइस क्या था, 50 रुपया 70 पैसा, तो मैं बोल रहा हूँ उसी भाव पे मैं ये ऑप्शन खरीद लेता, ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जाएंगे पॉइंट इन टाइम, मतलब आगे जाके मैं देख सकता हूँ कि ये ट्रेड का क्या हुआ, तो हम जाएंगे जो हमारा एग्जिट टाइम था वो था 15:06, ठीक है, तो ये टाइम पे हम आगे चले जाते हैं, राइट, और देखते हैं कि हमारा जो मार्क टू मार्केट है ये वाला जो हमने पुट ऑप्शन लिया उसमें हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस, राइट, हमारा टोटल होता है, ये देखिए आपका PNL है 1,87,290, राइट। वो जो 17,700 का जो पुट ऑप्शन था जो हमने 50 रुपये पे लिया था उसका भाव हो गया 154 रुपया, 100 रुपये मिल गए, 104 रुपये मिल गए, 3 गुना हो गया भाव, 100 रुपये के आसपास का रफली प्रॉफिट इज 1,87,000 रुपीज। सो अगर आप देखोगे सिंगल ऑप्शन मार्जिन कितना लगाया मैंने, थोड़ा सा रिस्क कितना लिया, 30 पॉइंट कुछ भी नहीं था, ऑप्शन में तो शायद 10 ही जाता है, और सामने पे ऑफ क्या है, 104। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर ट्रेड में 104 मिलेगा, जनरली अगर आपको 50 पॉइंट इस स्ट्रैटेजी से भी मिल जाए और रेगुलर मिल जाए 50 से 60 पॉइंट और आपकी एक्यूरेसी जो आप बता रहे 70-75 की है, तो शायद ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। सो हम लोग ने जो जनरली देखा है ऑप्शन के प्रीमियम में आपको लगभग 30 पॉइंट का ऑप्शन प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ, अंडरलाइन का जो सिग्नल है वो उससे ज्यादा होगा, लगभग 30 पॉइंट का आपको बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, 30 पॉइंट का बेनिफिट आपको पर ट्रेड, क्योंकि कोई कोई ट्रेड होगा जो 10 रुपए में 15 रुपए में, तो फिर 1:1 हुआ ना आपका, नहीं 30 पॉइंट ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में, और वैसे 10 पॉइंट जाएंगे, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 10-12 पॉइंट, उसमें आपका जो रिस्क है वो 2.5 कैलकुलेट होता है, मतलब हर 2.5 रुपए जो आप बनाते हो, मतलब आपका जो लॉस होगा 12 पॉइंट के आसपास का लॉस होगा, अगर आपका नुकसान हुआ
तो 12 तो मैं 1:2 समझ लूं रफली से 2.5 एग्जैक्ट आपने इसे कैलकुलेट किया हुआ है 2.5 हमारा कैलकुलेशन है जो हमने पीछे का डेटा देखा है उसके हिसाब से 2.5 तो रिस्क अगर 1 रुपए का है तो 2.5 रुपए का प्रॉफिट है प्रॉफिट राइट तो ये हमारा एकदम सिंपल सा सौदा है मैं समराइज कर देता हूँ ताकि ये चीज वापस समझ में आए बायर पर्सपेक्टिव से हमको दिखा एक बड़ा एक कंसोलिडेशन हुआ क्वांटिटी 9000 ट्रेड हो रही थी 30000 हो गई कोई आया बेच के चला गया हमको क्या करना है मैंने सौदा ले लिया मैंने सौदा ले लिया कि भाई किसी ने बेचा उसको कुछ तो पता है या तो कुछ तो मैंने सिंपली एट द मनी ले लिया खत्म हो गया बस तो मैंने वहां पे जाके एटीएम का पुट ऑप्शन खरीदा जब बायर प्रीवियस सेलर से ज्यादा हो गया तब मैं जाकर के स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और वहां पे मेरा सौदा खत्म एक लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो वही वाला ऑप्शन का आप चार्ट खोलोगे और अगर वहां पे बड़ा बायर आया आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे राइट सो आई होप आपको ये जो ऑर्डर बुक का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि ये ऑर्डर बुक का कॉन्सेप्ट भी इंटरनेट पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है और जैसे सर ने बोला कि जो इंडिकेटर्स आपको दिए हैं बहुत कमाल के इंडिकेटर्स हैं कौन सा आप पे जाके यूज़ कर सकते हैं और सर की ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा सो डू चेक आउट एंड आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा बहुत सारी वीडियोज अभी आना बाकी है तो अगर आपके मन में कुछ सवाल है कुछ क्वेश्चन है सर के लिए तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं हम ट्राई करेंगे उन क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियोज बनाने का आपको आंसर देने के लिए फाइनली अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग भी पैसा बना पाए सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन यू सब्सक्राइब दिस चैनल क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ मेड जय हिंद